इंटीग्रेशन के वीडियो में आप लोगों का वेलकम है। आज हम क्लास 12 लेवल की इंटीग्रेशन स्टार्ट कर रहे हैं और आपको बहुत मज़ा आने वाला है। आप बहुत अच्छे से सीखेंगे अगर आप रेगुलर कंटिन्यू वीडियोस को देखते रहें और जो फॉर्मूलाज याद करने हैं, जो प्रैक्टिस करने हैं, अगर वो आप करते रहेंगे तो आपको बिल्कुल इसमें मज़ा आने वाला है। तो मैं इंटीग्रेशन स्टार्ट कर रहा हूँ। इससे पहले मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप मेरी को पसंद करते हैं और चाहते हैं कि आपको टाइम टाइम पे वीडियो मिलता रहे, तो आप जो है मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, चैनल को। जो चैनल है मैथ्स एंड BASC, इसको सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और नोटिफिकेशन जो बेल है उसको ज़रूर आप प्रेस कर लें ताकि कोई भी मेरी नई वीडियो आपको आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, ठीक है। और जब आप वीडियो को सुने तो उसके लिए आप थोड़ा शांत जगह पे बैठें और अपने कानों में ईयरफोन भी लगा लें ताकि आपको जो ऑडियो है वो उसकी क्वालिटी आपको अच्छे से सुनाई दे, ठीक है। और फिर आप अपने साथ कॉपी पेन भी रखें और नोट करना चाहते हैं तो उसके लिए पहले आप वीडियो को पॉज कर लें, फिर उसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर अगर आप उसको लिखना चाहते हैं तो उसको आप लिख सकते हैं। और मेरे ऑडियो को भी सुनते जाएंगे तो फिर आपको वीडियो देखते जाएंगे तो आपको आसानी होगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि इंटीग्रेशन के लिए हमको कौन मोटिवेट करता है, ठीक है। ये आप देखिए कि आप जो मैथ्स पढ़ रहे हैं, अगर मैथ्स को आप लव करते हैं, मैथ्स आपके लिए एक प्यारा सब्जेक्ट है, तो यकीनन ये आपके लाइफ को बहुत आगे तक ले जाएगा। तो हर चैप्टर को पढ़ने के लिए उसको उससे मोटिवेट होना पड़ता है, ठीक है, उसका मोटिवेशन देखना पड़ता है। इंटीग्रेशन के लिए क्या मोटिवेशन है, तो आप डेरिवेटिव पढ़ चुके हैं, डिफरेंशिएशन आप निकालना जानते हैं, आपने डेरिवेटिव क्यों पढ़ा, आप इंटीग्रेशन क्यों पढ़ रहे हैं, एक क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है, ठीक है। अब आप देखो कि जितना भी हमारे दुनिया में हो रहा है सबका साइंस कनेक्शन है, सब में साइंस कनेक्टेड है और साइंस हर एक चीज में आ ही जाती है। अगर आप फिजिक्स देखो तो फिजिक्स भी बगैर मैथ्स के नहीं चल सकता, केमिस्ट्री भी, इनफैक्ट बायोलॉजी में भी मैथ्स की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो अगर हम लोग देखते हैं तो हमको ये दिखेगा कि हम कोई भी फंक्शन है हमारे पास, ठीक है, फंक्शन से ही जो है फंक्शन और ऑपरेशन से ही सब कुछ डिजाइन किया जाता है, ठीक है। तो कोई अगर फंक्शन है तो वो फंक्शन है, तो जैसे आप सपोज कर लो कि वेलोसिटी है आपके पास गिवन है, या कोई पार्टिकल है जो मूव कर रहा है उसका एक्सीलरेशन आपको गिवन है। तो अगर एक्सीलरेशन आपको उसका दिया हुआ है या वेलोसिटी आपको दी हुई है, तो फिर आपके माइंड में क्वेश्चन आता है कि क्या इसके एक्सीलरेशन से, जो इंटरवल में एक्सीलरेशन दिया हुआ है, तो किसी पॉइंट पे क्या हम ये फाइंड कर सकते हैं कि बॉडी का पोजिशन क्या है, पार्टिकल किस पॉइंट पे है। तो आप वहां से उसको बिल्कुल फाइंड कर सकते हो। एक्चुअली जो एक्सीलरेशन है वो क्या है, वो डबल डेरिवेटिव है फंक्शन का। और आप उसको दो उसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन को आप जब सोल्व करेंगे तो आपको वहां से फिर फंक्शन मिल जाता है। तो फिर जिस भी बाउंड्री कंडीशन पे, यानी जिस सिचुएशन पे आपको पार्टिकल को फाइंड करना, वहां से आप उसको फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो इंटीग्रेशन का बहुत इंपॉर्टेंस है लाइफ में। अगर आप देखेंगे अभी इंटरमीडिएट में इंटीग्रेशन, BSc में इंटीग्रेशन, फिर इनका यूज डिफरेंशियल इक्वेशंस को सोल्व करने में हो जाता है। और डिफरेंशियल इक्वेशन वो किसी भी डीलिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट अगर आप कोई ब्रिज वगैरह कंस्ट्रक्शन होता है तो उसका डिफरेंशियल इक्वेशन, ताकि जो है उसकी स्टेबिलिटी, उसकी बाउंड्री कंडीशन, उसका लाइफ को प्रेडिक्ट किया जा सके, ये बहुत बड़ा जो है आगे चल के इसका रोल होता है। तो इसलिए 12th क्लास से ही इंटीग्रेशन को अच्छे से समझना काफी जरूरी है, ठीक है। अब मैं इंटीग्रेशन आपको पढ़ा रहा हूँ, इसमें एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको इंटीग्रेशन सिर्फ पढ़ना नहीं है बल्कि इसको बिल्कुल फास्ट हो जाना है इसमें। क्योंकि जैसे आपके लाइफ में काउंटिंग थी 1 2 3 4, या टेबल था आपके 3 1 या 3 3 2 या 6, जैसे आपको ये याद है उसी तरीके से आपको इंटीग्रेशन के शॉर्ट फॉर्मूलाज आने चाहिए, इंटीग्रेशन करना आना चाहिए आपको बिल्कुल फास्ट वे में, माइंड में ही, ताकि आप फिर आगे मैथ को उतना ही इंटरेस्ट से पढ़ सके। तो ये बिल्कुल हो जाएगा, आसानी के साथ होगा। तो इंटीग्रेशन का जो मोटिवेशन है वो क्या है कि अगर आपको कोई से मान लो कि वेलोसिटी दे रखा है, वेलोसिटी क्या है, तो DY/DX अगर आपको ये गिवन है, ओके, ये वेलोसिटी आपको गिवन है। अगर आपको कोई ये कह दे कि क्या हम वेलोसिटी गिवन है तो पार्टिकल का पोजीशन फाइंड आउट कर सकते हैं,
तो ये आपको कहाँ से फाइंड आउट होगा? तो फिर ये आपको फाइंड आउट करने के लिए पार्टिकल का पोजीशन या जो है किसी इंस्टेंट पे आपको अगर आई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो वो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो ये आप इंटीग्रेशन से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आप देखें कि अगर आपके पास एक्सेलरेशन गिवेन है डी स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये आपके पास अगर गिवेन, और यहाँ से अगर आपको जो है वाई फाइंड आउट करना है यानी आपको पार्टिकल का पोजीशन फाइंड आउट करना है, तो आप इसको इंटीग्रेशन से फाइंड आउट कर सकेंगे। ये डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करेगा, उसको सोल्व करके हम कर पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ये है कि इंटीग्रेशन का यूज़ क्या है। तो इंटीग्रेशन का जो यूज़ है वो मेनली वो टू पार्ट्स में हो जाएगा। एक के हमारे पास अगर डेरिवेटिव या डबल डेरिवेटिव गिवेन है तो डेरिवेटिव से आपको क्या फाइंड आउट करना है। अगर हमारे पास डेरिवेटिव गिवेन है तो हम जो है किस तरीके से फंक्शन को वापस फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी अगर मेरे पास डेरिवेटिव अवेलेबल है तो डेरिवेटिव से हम फंक्शन को किस तरीके से फाइंड आउट कर पाएंगे, ठीक है। ये एक हमारा प्रोसेस हो गया, एक इसका यूज हो गया। दूसरा कि अगर कोई फंक्शन है और फंक्शन का ग्राफ मेरे को दिया हुआ है और उसके इंटरवल अगर मेरे को गिवेन है तो उस इंटरवल में हम उस फंक्शन का जो बाउंडेड एरिया है विद द एक्सिस वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो ये भी इसका एक इम्पॉर्टेंट यूज होगा, ठीक है। फिर फंक्शन का कोई भी ऑर्डर का डेरिवेटिव दिया हुआ हो यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन अगर अगर आपके पास अवेलेबल है फंक्शन की, तो डिफरेंशियल इक्वेशन को जो सोल्व किया जाएगा तो उसके सॉल्यूशन में भी हम इसका यूज करेंगे, ओके। तो ये इंटीग्रेशन का बहुत ही खास यूज है, और बगैर इंटीग्रेशन के कह लीजिए ऐसा कह सकते हैं कि मैथ्स आगे नहीं चल सकता या हमारा जो साइंस है वो आगे नहीं बढ़ सकता, इसलिए हमको इंटीग्रेशन सीखना है और इसमें बिल्कुल ही हमको इंटरेस्ट लेके आ जाना है, ओके। अब आइए आगे बढ़ते हुए हम ये देखते हैं कि इसके जो बेसिक फॉर्मूला है फॉर्मूलाज हैं उन फॉर्मूला को हम कैसे आसानी के साथ याद कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए फॉर्मूला की तरफ चलते हैं। फॉर्मूलाज तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो हमारा इंटीग्रेशन है वो एक्चुअली क्या है, एंटी डेरिवेटिव है, ओके। यानी कि अगर आपको डिफरेंशिएशन किसी का दिया हुआ है आप उसका अगर एंटी डेरिवेटिव निकालते हैं तो एंटी डेरिवेटिव भी हमारा क्या कहलाएगा, वो हमारा इंटीग्रेशन कहलाता है, ठीक है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कि दिस इज ऑल्सो ए एंटी डेरिवेटिव, ओके। तो इंटीग्रेल जो हमारा इंटीग्रेशन है या जो हमारा इंटीग्रल है उसको हम एंटी डेरिवेटिव भी कह सकते हैं, ये आप याद करके रखिएगा समझ कर रखिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए कोई अगर फंक्शन है हमारे पास, फंक्शन को हम जनरली किससे डिनोट करते हैं, फंक्शन को एफ एक्स से करते हैं अगर वो एक्स के टर्म में दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर ये सिंबल है एफ एक्स डी एक्स तो आप सिंबल देख लें, ये क्या है, ये सिंबल यूज किया जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स के लिए। किसके लिए यूज किया जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स। अरे कोई फंक्शन एफ एक्स दिया हुआ है, अब एक्स का अगर वो फंक्शन है तो उसको इंटीग्रेट करने वाला जो हमारे पास वेरिएबल होगा वो भी एक्स ही होना चाहिए, ठीक है। तो एक्स के साथ डी एक्स लगा हुआ होगा तब जो है हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, और यहाँ पे जो ये एफ एक्स है इस एफ एक्स को हम क्या कहेंगे, इसको कहेंगे इंटीग्रांड। क्या कहेंगे इसको, इसको कहेंगे इंटीग्रांड, ये बात भी आप ध्यान करके रखिएगा, ओके। तो इसको इंटीग्रांड कहेंगे, इसको इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन कहा जाएगा, ओके। और जो भी इसकी वैल्यू मिलती है तो वो हमारा इसका इंटीग्रल वैल्यू होगा, ओके। तो अब देखिए कि हमारा जो इंटीग्रेशन है वो हम यहाँ पे मेनली दो तरह का इंटीग्रेशन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो टू काइंड्स होगा अभी हमारा ट्वेल्व लेवल पे, ओके। ऐसे आगे चल करके प्रॉपर इंटीग्रल और इम्प्रॉपर इंटीग्रल भी आने वाले हैं। तो यहाँ पे हमारा जो टू काइंड्स है इंटीग्रेशन का, वो एक है हमारा वो है इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। क्या है, एक है इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, एक तो हम इसको देखने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। और एक जो इंटीग्रेशन है वो है डेफिनिट इंटीग्रेशन, डेफिनिट इंटीग्रेशन, ओके। तो अब इनडेफिनिट और डेफिनिट इंटीग्रेशन में क्या डिफरेंस हुए, तो आप देखिए कि जैसे मैं आपको समझाता हूँ इसको आसानी से, कि अगर हम साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करते हैं, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कर दिया तो क्या आ गया, तो इसका डिफरेंशिएशन आ गया आपका कॉस एक्स, आपने याद करके रखा है, ठीक है। अगर कोई कॉस एक्स अगर कोई साइन एक्स
प्लस थ्री का इंटीग्रेशन करें तो क्या आएगा, तो आपको पता है कि फिर से कॉस एक्स मिलने वाला है, क्योंकि थ्री का इंटीग्रेशन, थ्री का डिफरेंशिएशन जीरो हो जाता है। ठीक है, अगर मैं आपको ये कहूँ कि आप साइन एक्स प्लस लॉग ए इसका इंटीग्रेशन, इसका डिफरेंशिएशन करें, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन फिर से कॉस एक्स और लॉग ए फिर से कांस्टेंट हो जाएगा, तो इसका भी डिफरेंशिएशन जीरो। ओके, तो आप देखो कि तीनों ही केस में आंसर एक ही आ रहा है, कॉस एक्स। तो या अब मैंने कहा कि आपको जो हमारा इंटीग्रेशन है वो क्या है, एंटी डेरिवेटिव है। इसका मतलब है कि अगर हम कॉस एक्स को इंटीग्रेट करें यानी इसका एंटी डेरिवेटिव निकालें, तो साइन एक्स मिल सकता है, साइन एक्स प्लस थ्री मिल सकता है, ओके, और साइन एक्स प्लस लॉग ए मिल सकता है। बात समझ में आ रही है, जो हमारा आंसर है अगर हम उसका इंटीग्रेशन करते हैं तो ये चूंकि एक एंटी डेरिवेटिव है, तब साइन एक्स भी हो सकता है, साइन एक्स प्लस थ्री भी हो सकता है और साइन एक्स प्लस लॉग ए भी हो सकता है। तो ये अब ये क्यों हो रहा है, तो अब देखें आपकी ये जो कांस्टेंट लगा हुआ है जिसका डिफरेंशिएशन जीरो हो जा रहा है, तो एक्चुअली ये जो कांस्टेंट है तो ये कांस्टेंट इसी इंटीग्रेशन के वैल्यू के एरर को मिनिमाइज कर रहा है। यानी अगर आप इंडेफिनिट इंटीग्रेशन करेंगे तो इनडिफिनिट इंटीग्रेशन में आपको कोई कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, वो कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है उसका वैल्यू। ओके, लेकिन जब आप डेफिनिट इंटीग्रेशन करेंगे तो डेफिनिट इंटीग्रेशन में हमारा जो है वो लिमिट वैल्यू दिया रहेगा। मैं आपको बता दूं कि जब हम लोग इनडेफिनिट इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका सिंपल सिंबल होगा हमारे पास। ठीक है, कैसा सिंबल होगा, तो सिंपल होगा एफ एक्स डी एक्स, एफ एक्स और डी एक्स, इसमें कोई लिमिट वैल्यू नहीं दिया होगा। लेकिन जब डेफिनेट इंटीग्रेशन करेंगे तो कैसा इंटीग्रेशन होगा, एफ एक्स डी एक्स विथ द लिमिट वैल्यू, लिमिट वैल्यू कुछ भी हो सकता है ए से बी, जो नीचे और ऊपर जो वैल्यू दिया होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, वो हमारा कहलाएगा लिमिट वैल्यू। ओके, इसको हम कहने वाले हैं लोअर लिमिट, इसको क्या कहेंगे, लोअर लिमिट, और ऊपर वाले को क्या कहेंगे, ऊपर वाले को कहेंगे अपर लिमिट। ओके, तो लिमिट के साथ जब दिया रहेगा तो डेफिनिट इंटीग्रेशन आएगा, और जब विदाउट लिमिट दिया रहेगा तो वो इनडेफिनिट इंटीग्रेशन कहलाएगा। अब आपको इंपॉर्टेंट बात एक और याद रखनी है कि इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में आपको डिफरेंट आंसर भी आ सकते हैं, अगर आप डिफरेंट मेथड से बनाएंगे तो इसका आपका डिफरेंट आंसर भी आ सकता है, ये बात याद रखिएगा। इनडेफिनिट को अगर हम सोल्व करते हैं तो हमको डिफरेंट आंसर भी, या डिफरेंट फंक्शन तो देखिए एक ही होगा आंसर उसका, लेकिन कांस्टेंट की वजह से अलग अलग आ सकता है। ओके, लेकिन जो डेफिनेट इंटीग्रेशन है तो डेफिनेट इंटीग्रेशन में लिमिट वैल्यू की वजह से हमेशा एक ही आंसर आएगा, यानी बिल्कुल सेम आंसर आने वाला है जब भी आप सोल्व करेंगे, चाहे आप कोई भी मेथड लगाएं। इंटीग्रेशन में हम देखने वाले हैं कि हमारे पास बहुत सारा मेथड होगा, लेकिन आप कोई भी मेथड लगाएंगे तो आपका सेम आंसर आएगा डेफिनेट में, लेकिन इनडिफिनिट में आपको डिफरेंट आंसर आ सकता है। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, यही वजह है कि जब हम इनडेफिनिट इंटीग्रेशन करेंगे तो इनडेफिनिट इंटीग्रेशन करने में हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग जब इनडेफिनिट करेंगे यानी विदाउट लिमिट करेंगे तो हमारा जो भी आंसर आएगा, ओके, हम उसके साथ में एक कांस्टेंट लगा देंगे सी। ओके, ये कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, लेकिन जब हम डेफिनिट इंटीग्रेशन करेंगे यानी विद द लिमिट करेंगे तब हमारे पास क्या होगा, बिल्कुल एक कांस्टेंट कांस्टेंट आएगा। ओके, ये हमेशा सेम आंसर आएगा, और इसमें क्या है, डिफरेंट मेथड से ये डिफरेंट आंसर भी हमको मिल सकता है। ओके फ्रेंड्स, तो आप इसको देखें, फॉलो करें और मेरे वीडियो को आगे देखते रहें। थैंक यू वेरी मच।